हेलो एवरीवन माय नेम इज चंदन एंड आई एम योर कंप्यूटर मेंटर फ्रॉम रजोन पीसीसीपी जूनियर डिवीजन इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्लास टेंथ फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज़ बेस्ड ऑन वेब सिक्योरिटी एंड वर्कप्लेस सेफ्टी ओके तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड किन किन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे ओके बॉम्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीड ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी एंड अबाउट साइबर थ्रीट ओके डिफरेंट डिफरेंट साइबर थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं तो नीड ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी से पहले मैं आपसे इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करना चाहता हूँ जैसे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इंटरनेट सिक्योरिटी आखिर होती क्या है ओके okay? तो जैसे जैसे लोग जो है डिजिटलाइज होते जा रहे हैं कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन फीड भी कर रहे हैं उसी तरह जो अब इसका एक ये प्रॉज है तो कौन भी है अब कौन क्या है कि ये इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ये उतनी सिक्योर नहीं है कैसे सिक्योर नहीं है तो क्योंकि जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकते हैं उस उस सर्वर को या पर्टिकुलर साइट को हैक करके ओके तो इस बारे में ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी की नीड क्यों पड़ी उससे पहले हम थोड़ा सा टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं वेब सिक्योरिटी एंड वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड ओके तो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ एडवेंट हुई वैसे वैसे यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस इंटरनेट और उसके अनुप्रयोग जो हैं इंक्रीज होने लगे इन मैनी बाय मैनी फोल्ड्स ओके इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज आज के जमाने में जो है हर हर कोई भी टर्म जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है जैसे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपकी बैंकिंग जो हो गई वो भी डिजिटलाइज हो रही है ओके कोई मेल सेंड करना हो मैसेज सेंड करना हो वो भी डिजिटलाइज हो चुका है ओके एज एवरी कॉइन टू साइड्स

हम में से बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो इंटरनेट सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर डिवाइस है वो अननोटिसेबल है और हमें कोई देख नहीं रहा होगा दैट दे थिंक डेट देयर कंप्यूटर्स आर इम्परसेप्टेबल मतलब अननोटिसेबल ओके बट एज सुन एज दे एंटर इन टू द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग एंड सोशल मीडिया द चांसेज ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड एंड चीटेड ऑल्सो इंक्रीजेज जैसे जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपने प्राइवेट इंफॉर्मेश जब उसे प्रोवाइड करने लगते हैं तो वैसे वैसे उसके चांसेस भी जो है इंक्रीज हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जिन्हें हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं ओके दूशन अलाउज थी स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज फाइल्स पासवर्ड डेटा एंड इवन सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छा आप जो इंट्रूशंस हैं जो इंट्रूडर्स हैं हमारी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं वो किस टाइप की डेटा को लेंगे वो आपके या तो फाइल्स को लेंगे ओके या फिर आपके पासवर्ड फाइल से रिलेटेड पासवर्ड को लेंगे या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा हो जो फाइनेंस रिलेटेड डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो उसे फाइंड करते हैं वो ठीक है ताकि वो उसका मिसयूज कर सकें While this दिस a अ डेंजर टू it इट poses a अ थ्रेट टू प्राइवेट public पब्लिक nation नेशन एंड गवर्नमेंट्स अराउंड world जैसे जैसे ये एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी खतरा है वैसे ही ये प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर नेशन और गवर्नमेंट गवर्नमेंट अराउंड वर्ल्ड इसके लिए भी साइबर थ्रेट एक खतरा है वेब सिक्योरिटी हमें मैंडेटरी हो चुकी है आ, हो रही है एज़ लॉन्ग एज दी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ऑनलाइन सो विल दी नीड फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी जैसे जैसे इंफॉमेसन जो है ऑनलाइन स्टोर होती जा रही है वैसे वैसे जो है आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती जाती है ओके okay? नैक्स्ट हम पढ़ते हैं नीड फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी की आखिर इंटरनेट सिक्योरिटी की हमें नीड क्यों पड़ी ओके okay? तो इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज़ रिलेटेड टू नेटवर्क एंड वेब ब्राउजर सिक्योरिटी इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है अपनी एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच है जो कि रिलेट करती है नेटवर्क एंड वेब ब्राउजर सिक्योरिटी से विच इज़ विच इन टर्म हैल्प्स टू कीप द डेटा इंटरेक्ट एंड सेफ लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो जो भी साइबर अटैक हो रहा है उससे आपके डेटा को बचा सकते हो प्रिवेंट कर सकते हो एज वी कनेक्ट आर सिस्टम टू अ नेटवर्क जैसे ही हम हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं इट इज़ प्रॉन टू रिस्क ऑफ अनऑथोराइज इंट्रूशन वो एक रिस्क में चला जाता है ताकि कि उस पर जो है अनऑथोराइज एक्सेस ना हो पाए ना हो इसलिए विद इंक्रीज ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंपल टास्क लीकेज ऑफ पर्सनल डेटा इज ऑब्वियस अब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो तो इसके तो चांसेस बढ़ ही जाते हैं कि इंटरनेट से जो है डेटा लीक ना हो जाए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए द पॉपुलरिटी ऑफ नेट बैंकिंग एंड वेरियस ई पेमेंट स्कीम इज अट्रैक्टिंग टू इन डिफरेंट वेज डिफरेंट टाइप्स की आजकल जो नेट बैंकिंग मेथड्स चल रहे हैं या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो फॉर गवर्नमेंट्स ओके तो जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो हैकरस को क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही है ताकि वो आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपके पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकें जो भी आपका अमाउंट उसमें डिपॉजिट है आपके अकाउंट्स में स्टीलिंग ऑफ अदर्स डेटा एंड टू मेक मनी आउट ऑफ इट हैज़ बिकम्स बिजनेस आजकल ये क्या हैकरस के लिए एक बिजनेस बन चुका है कि दूसरों का पैसा जो है Make, अपने, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सके ऑनलाइन थ्रेड सच एज फिशिंग ई मेल एंड चैट स्पूफिंग एटसेट्रा तो अब जो हैकर है वो किस तरह से आप पर अटैक करता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ई मेल्स के थ्रू वो कर सकता है ओके okay? फिशिंग के थ्रू कर सकता है मे ई मेल स्पूफिंग के थ्रू कर सकता है ई मेल या फिर चैट स्पूफिंग के थ्रू कर सकता है ओके एटसेट्रा द चांसेस ऑफ साइबर अटैक्स प्ररा इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट से भरा हुआ है इंटरनेट सिक्योरिटी को इंटरनेट को जो है सिक्योरिटी की जरूरत है इसमें ओके okay, अब यहाँ पर दो टर्म्स आई थी फिशिंग एंड फिशिंग कॉमा ई मेल एंड चैट्स तो स्पूफिंग एंड फिशिंग आपकी दो तरह के थ्रेट्स हैं साइबर थ्रेट्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली ये होते क्या है आपको ई या स्पैम्स के थ्रू जो है हैकर uh, जो हैं मैसेज करते हैं जिसके थ्रू आप लिंक पर कॉपी करते आपकी जो सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आज कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास सीधे एक्सेस हो जाती है इंटरनेट के थ्रू ओके नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइबर थ्रेट हमारी मेन टर्म साइबर थ्रेट आखिर होता क्या है और कि, कितने टाइप्स के साइबर अटैक्स के थ्रू जो हैकर है वो आपके कंप्यूटर से डेटा को रिट्रीव कर सकता है या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है आपकी कंप्यूटर डिवाइस को ओके साइबर थ्रेट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मालिशियस अटैम्प्ट और एन ऑफेंसिव एक्शन टू स्टील डैमेज और डिसरप्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर नेटवर्क और पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस कॉमा यूजिंग वेरियस कम्प्यूटर प्रोग्राम्स अब साइबर थ्रेड क्या है एक मालिशियस पॉसिबिलिटी है कि जो हैकर है वो आपके कम्प्यूटर सिस्टम से जो है डेटा यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को के थ्रू आपके कंप्यूटर डिवाइस से कैसे डेटा को रिट्रीव कर पाता है या कैसे एक्सेस कर पाता है या आप हैकर के लिए बोल लो कि कैसे हैक कर पाता है उस डेटा को तो डिफरेंट टाइप्स के वेरियस कम्प्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं सम ऑफ दी पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अब जो वायरस प्रोग्राम्स हैं वो कैसे एक्सेस करता है तो कुछ वायरसेस होते हैं ओके okay? ट्रॉजन आपका एक वायरस ही है स्पैम ये स्पूफिंग के अंदर आता है और स्पाईवेयर ओके वम्स ये सभी आपके बूट सेक्टर वायरस तो ये सभी जो हैं आपके वेब सिक्योरिटी के अंदर इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं और कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हैकर जो है आपके कंप्यूटर डिवाइस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर देता है ओके नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू प्रिवेंट दी अटैक्स ऑफ स्पाईवेयर अब स्पाईवेयर से कैसे बचा जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कौन सी साइट्स को जो है एक्सेस नहीं करना चाहिए और किसे एक्सेस करना चाहिए कैसा अच्छा ऑनलाइन साइट को ऑथराइज साइट कौन सी है उसे हम कैसे पहचानें इस बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो स्पाइवेयर से बचने के लिए या फिर वायरसेस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए यूज एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो ओके आ, हैकर से या वायरसेस से बचने के लिए अवॉइड एक्सप्लोरिंग द एर डायलॉग्स ऑन द इंटरनेट अब एरर डायलॉग्स क्या होते हैं जब भी आप किसी अनऑथोराइज साइट पर लिंक uh, की लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एरर फोर ज़ीरो फोर जैसा कुछ सिग्नल देता होगा ब्राउज़र कि ये जो साइट है ये ऑथराइज है मतलब अनऑथराइज है इस पर आप डायरेक्ट क्लिक नहीं कर सकते या इसे सीधे एक्सेस नहीं कर सकते तो उसे क्या करना है उसको एक्सप्लोर करने से अवॉइड करना है हमें जो भी एरर डायलॉग्स ऑन द इंटरनेट साइट्स या वेबसाइट्स पर जो आपको एरर डायलॉग्स दिखते हैं उन्हें एक्सप्लोर नहीं करना है ओके okay? अगर वो एरर दे रहा है आपका ब्राउजर तो वहीं उस साइट को क्लोज कर देना है ओके थर्ड वन इज़ अवॉइड यूजिंग फ्री डील ऑफर्स ऑन इंटरनेट आपको मैसेजेस के थ्रू या फिर नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको लिंक्स जो है हैकर सेंड करते हैं जिसमें आपको फ्री डील मिल रही होती है इंटरनेट से या फिर फ्री डील का लालच देकर वो लोग आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करना चाहते हैं तो इस तरह के नोटिफिकेशन या फिर मैसेजेस से बचना चाहिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए बी श्योर दी ऑथेंसि ऑथेंटिसिटी ऑफ डिज़ायर्ड प्रोग्राम बिफोर इंस्टॉलिंग इट ऑन योर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को जब भी आप अपने कंप्यूटर डिवाइस चाहे वो मोबाइल हो टैबलेट हो या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर ही क्यों ना हो उस पर इंस्टॉल करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करनी है कि वो ऑथोराइज है या नहीं है ओके वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है या नहीं तो ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए स्पाईवेड से बचने के लिए साइबर अटैक से बचने के लिए अब जो साइबर थ्रेट है उसका फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं वो है स्पैम कि स्पैम आखिर होता क्या है ओके तो स्पैम रिफर्स टू एन अनवांटेड एंड अनसोलिशिएटेड मैसेज विच इज रिसीव्ड इन द इनबॉक्स ऑफ अ पर्सन ई मेल अकाउंट और इन न्यूज ग्रुप्स ओके तो स्पैम क्या है स्पैम आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो कि कहाँ आता है आपके आपके ई मेल अकाउंट पर स्पैम नाम के सेक्टर में आता है या फोल्डर में आता है ओके okay. तो स्पैम एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसके थ्रू जो है जनरली हैकर्स ऐसी लिंक प्रोवाइड करते हैं आपके ईमेल से जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे वैसे ही आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी गूगल पर अपडेटेड होगी वो उसके पास सीधा एक्सेस हो जाएगी द वन हु सेंड्स द स्पैम्स इज कॉल्ड स्पैमर अच्छा अब जो हैकर स्पैम भेजता है उसे हम जनरली स्पैमर कहते हैं जनरली स्पैम्स आर सेंड विद इंटेंशन टू एडवरटाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेस अब जो स्पैम स्पैम मैसेज हैं जो स्पैम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हैं वो जनरली इन टर्म्स ऑफ एडवरटाइजमेंट या फिर प्रोडक्ट सर्विसेज के तौर पर भेजे जाते हैं ओके okay. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ मालवेयर एंड वायरस इन्फेक्शन क्या आपके कंप्यूटर डिवाइस में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं मालवेयर एंड वायरस इन्फेक्शन वायरस इन्फेक्शन के व्हेन वायरस इन्फेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स इट डैमेजेस द बॉडी व्हिच इज़ एविडेंट थ्रू सर्टेन सिम्टम्स जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में लगती है तो कुछ कुछ सिम्टम हमें बॉडी पर नजर आते हैं इन द सिमिलर मैनर उसी तरीके से देयर आर सर्टेन सिम्टम्स दैट हिंट दैट अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड बाय मालवेयर एंड वायरस ओके उसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर कोई वायरस से कंप्यूटर डिवाइस आपका इन्फेक्ट हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स वो आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है वो शो करने लगता है ओके okay. तो वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज स्लोडाउन अब स्लो डाउन कैसे फॉल इन स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर जैसे आप कोई भी टास्क आपका कंप्यूटर डिवाइस पर परफॉर्म कर रहे हो और वो धीरे धीरे चलते चलते जो है उसकी स्पीड जो है टाइम के साथ स्लो हो रही है या एकदम से ही स्लो हो जाती है तो स्लो डाउन उसका एक सिम्टम है कि उस कंप्यूटर डिवाइस में मालवेर या वायरस हो सकता है पॉपअप्स अब पॉपअप्स क्या होते हैं अपेरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स ऑन दिस सिस्टम पॉपअप आपके एक ऐसे डायलॉग बॉक्स की मैसेज होते हैं जो कि आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो वो उसके नोटिफिकेशन को अलाउ करने के लिए या डिनाई करने के लिए बार बार आपकी वेबसाइट पर आ, ओपन होते हैं या पॉपअप्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं ओके नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रैश अब क्रैश क्या है फ्रिक्वेंट क्रैशिंग ऑफ सिस्टम और बी एस ओ डी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपका सिस्टम आप चला रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पर चला रहे हैं या फिर वो बार बार एकदम से क्रैश हो रहा है या उसकी स्क्रीन एकदम ब्लू हुए जा रही है तो वो एक सिम्टम है किसका मालवेयर और वायरसिस का नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑफ स्टोरेज आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी स्पेस है आपने उसमें इतना ज़्यादा डेटा फिल नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी आपके कंप्यूटर डिवाइस जो है वो आपको शो कर रही है कि इसमें इतना स्पेस जो है बचा ही नहीं है या फिर जो आपके कंप्यूटर डिवाइस के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो वो जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस घेर रहा है या कवर कर रहा है स्पेस को कवर कर रहा है तो एक तरह से वो भी वायरस प्रोग्राम के ही सिम्टम है लॉस ऑफ फाइल्स एब्रपड डिलेशन ऑफ फाइल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिना चाहे किसी भी कंप्यूटर फाइल से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल जो है आपकी अपने आप डिलीट हुए जा रही है तो ये भी एक सिम्टम है किसका वायरस और मालवेयर का अनयूजल एक्टिविटी ऑफ मैसेज और प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ प्रोग्राम ओके अब मैसेज और प्रोग्राम की अन अनयूजल एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई जैसे ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ प्रोग्राम एवरअ रीस्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड ओपनिंग ऑफ स्ट्रेंज और अन नॉन विंडोज ड्यूरिंग द प्रोसिज ऑफ बूटिंग तो जब आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हो या ऑन कर रहे हो या शट डाउन कर रहे हो तो जो बूटिंग प्रोसेस है वो <coughs> वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है या फिर कुछ अननोन विंडोज आ रही है वहाँ पर ओके okay, तो ये भी एक बेसिकली सिम्टम है मालवेयर और वायरस का अनयूजअल नेटवर्क एक्टिविटी आप कंप्यूटर को कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो तो अनयूजल एक्टिविटी हो रही है कौन सी अनयूजअल नेटवर्क एक्टिविटी सच एज एक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ डेटा इवन वैन ऑल दी एप्लीकेशन्स आर क्लोज तो जब आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो आप नेटवर्क से कनेक्टेड होते ही आपके डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं दूसरे जगह जबकि जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है जो आपके कंप्यूटर डिवाइस की एप्लीकेशंस है वो सारी क्लोज है, फिर भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम है मालवेर और वायरस का नाउ नेक्स्ट साइबर थ्रेट के बारे में हम पढ़ते हैं जो है डी ओ एसाइल ऑफ सर्विस डी ओ एस अटैक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अब ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है एम्स एट शटिंग डाउन नेटवर्क और सर्विस कॉजिंग इट टू बी इन टू इट्स इंटेंडेड यूजर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में जो होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को सीधे uh, नेटवर्क से ही इनएक्बल करने का कोशिश करता है साइबर थ्रेट के थ्रू ओके दिश दिस मिशन बाय फ्लूडिंग दारगेट विद द ट्राफिक और मोर रिक्वेस्ट देन दे कैन हैंडल और फ्लूडिंग इट विद इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर अ क्रैश ओके अब ये अटैक कैसे होता है द अटैक अकम्पलिश दिस मिशन बाय फ्लूडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक और मोर रिक्वेस्ट एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं देन दे कैन बी हैंडल और फ्लूडिंग इट विद द इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स अ क्रैश डॉस अटैक इज लॉन्च फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अदर होस्ट मशीन दैट आर इन्फेक्टेड बाय मालिशियस मालिशियस सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड बाय द अटैक अब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो जो ये डॉस अटैक है ये आपके बड़े कंप्यूटर डिवाइसेस से होता है जो कि इन्फेक्टेड होते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर से और कंट्रो इनको कंट्रोल कौन करता है जो अटैकर होता है जो हैकर होता है वो कंट्रोल करता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक को आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू